हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। दोस्तों, इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में अभी लगभग सारे बैंक एक मेटल क्रेडिट कार्ड उनके पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इससे कोई अलग बैंक नहीं है, वो भी उनके पोर्टफोलियो में एक मेटल क्रेडिट कार्ड रखना चाहता था, और इसीलिए रिसेंटली उन लोगों ने एक मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, एयू जेनिथ प्लस क्रेडिट कार्ड। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस कार्ड के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इस कार्ड के फीचर, बेनिफिट और चार्जेस के बारे में, और वीडियो के एंड में इस कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन। एयू जेनिथ प्लस क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को लेने के बाद, इस कार्ड के फीस पे करने के बाद, एक्टिवेट करने के बाद आपको 5,000 रुपीज का ब्रांड वाउचर मिल जाएगा, या फिर आपके पास ऑप्शन होगा 5,000 रुपीज का रिवार्ड पॉइंट लेने का। आप जो भी चूज करेंगे वो आपको मिल जाएगा। इस कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट सर्विस मिल जाएगा। हर क्वार्टर मैक्सिमम 1 आप ले सकते हो, और इसको बुक करने के लिए आपको इसके जो कॉन्सियर्ज सर्विस है वहाँ पे कॉल करना होगा, आपको नंबर स्क्रीन पे दिख जाएगा। इस कार्ड को यूज़ करके आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 16 लॉन्ज एक्सेस कर सकते हो पर ईयर, और इस कार्ड को यूज़ करके आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 4 लॉन्ज एक्सेस कर सकते हो पर क्वार्टर, मतलब एक साल में टोटल आपको 16 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिल जाएगा। इस कार्ड को यूज करके आप 2 गोल्फ राउंड या फिर गोल्फ लेसन ले सकते हो पर क्वार्टर बिल्कुल फ्री में। इस कार्ड पे आपको बुक माई शो का बाय वन गेट वन फ्री मूवी टिकट का ऑफर भी मिल जाएगा। आप मैक्सिमम 1 महीने में 4 मूवी टिकट ऐसे ले सकते हो, और पर टिकट का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो है 500 रुपीज पर टिकट। और इस कार्ड को यूज़ करके अगर आप कोई भी फ्यूल स्टेशन में जाके फ्यूल डलवाते हो तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्जेस वेवियर मिल जाएगा, और 1 महीने में मैक्सिमम 1,000 रुपीज का सरचार्जेस वेवियर आपको मिल सकता है। इस कार्ड पे आपको 0.99% का फॉरेक्स करेंसी मार्कअप चार्जेस देखने को मिल जाएगा, जो कि इस कार्ड के जो सेगमेंट है उसका लोएस्ट मार्कअप चार्जेस आपको ये कार्ड ऑफर करते हैं। इस कार्ड के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइस प्रोटेक्शन प्लान भी मिल जाता है, मतलब इस कार्ड को यूज करके अगर आप कोई भी गैजेट परचेस करते हो, लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आपको 1 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी आपको मिल जाता है। और इसको ये जो बेनिफिट है इसको लेने के लिए आपको उनका जो कॉन्सियर्ज सर्विस है वहाँ पे कॉल करना होगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एयू जेनिथ प्लस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके ट्रैवलिंग पे, डाइनिंग पे और इंटरनेशनल जो स्पेंड आपका होगा उसमें आप जितने भी स्पेंड करेंगे उसमें आपको एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। बाकी जितने भी स्पेंडिंग होगा उसमें आपको एवरी 100 रुपीज स्पेंड करने पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। 1 रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू होता है 1 रुपीज, तो ट्रैवल, डाइनिंग और इंटरनेशनल स्पेंड इसमें आपको मिलता है 2% का रिवॉर्ड रेट, बाकी सारे स्पेंडिंग पे आपको मिल जाता है 1% का रिवॉर्ड रेट। जो कैश विड्रॉल है या फिर EMI ट्रांजेक्शन है, फ्यूल ट्रांजेक्शन है, उसमें आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अब इस कार्ड के जो मंथली माइलस्टोन बेनिफिट है उसके बारे में बात करते हैं। इस कार्ड को यूज़ करके अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में 75,000 या फिर उसके ऊपर स्पेंड करते हो तो आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है बोनस। इस कार्ड पे आपको एक एनुअल माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस कार्ड को यूज़ करके 12 लाख स्पेंड करते हो एक साल में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ताज एपिक्योर मेंबरशिप मिल जाता है। इस कार्ड के चार्जेस के बारे में बात करें तो इस कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 4999 प्लस GST, और एनुअल चार्जेस भी सेम है 4999 प्लस GST। फीस वेवियर कंडीशन के बारे में बात करें तो इस कार्ड को यूज करके आपको एक साल में 8 लाख या फिर उसके ऊपर स्पेंड करना है तो नेक्स्ट ईयर का जो फीस होगा वो आपके लिए रिवर्स कर दिया जाएगा, और अगर आप फीस रिवर्सल नहीं पाते हो, आप फीस पेमेंट करते हो, तो आपको रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाएगा, 5,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाएगा। इस कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ये कार्ड आप कैसे ले सकते हो उसके बारे में बात करें तो आपको इंडियन रेसिडेंट होना होगा, आपका एज मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 60 तक हो सकता है, और आपके मंथली इनकम 2.5 लाख पर मंथ या फिर उसके ऊपर का होना होगा। और इस कार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाके इस कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्रेडिट कार्ड अभी नजर आएगा।
बहुत सारे अच्छे बेनिफिट के साथ क्रेडिट कार्ड, बहुत सारे अच्छे हाई रिवॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड आपको ऑलरेडी इंडियन मार्केट में नजर आएगा। तो अगर इस टाइम पे कोई एक बैंक एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च करना चाहते हैं तो उसमें अगर हाई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होगा, मतलब हाईली रिवॉर्डिंग सिस्टम अगर उस कार्ड पे नहीं होगा या फिर बेनिफिट बहुत अच्छा उस कार्ड पे नहीं होगा तो वो कार्ड हम लोगों को पसंद नहीं आएगा। AU Zenith Plus क्रेडिट कार्ड उसके बेनिफिट के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। 5000 फीस में आपको एयरपोर्ट मीट एंड ग्रेट जैसे प्रीमियम सर्विस इस कार्ड पे मिल जाता है। एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस का बेनिफिट भी आपको इस कार्ड पे मिल जाता है, जो कैपिंग है वो डिसेंट है और इसमें आपको अच्छे मूवी ऑफर भी देखने को मिल जाता है। पर इस कार्ड के जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस कार्ड पे आपको 5000 फीस देने के बाद जो ट्रैवल डाइनिंग और इंटरनेशनल स्पेंड है उसमें आपको 2% का रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो मतलब एक हाईली जो मार्जिन एक कैटेगरी है जैसे कि डाइनिंग और ट्रैवल, इसमें जो मर्चेंट है जो बैंक है दोनों को हाई मार्जिन मिलता है और इसमें अगर कस्टमर को 2% का रिवॉर्ड मिलेगा तो कौन वो कार्ड यूज़ करेगा। मतलब इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि इन दोनों जो कैटेगरी है इसमें आपको 5% के आसपास का रिवॉर्ड दे देता है, जैसा कि SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड है और भी बहुत सारे कार्ड है जो कि आपको 5% के आसपास का रिवॉर्ड आपको दे ही देता है। और बहुत सारे बैंक का डेडिकेटेड पोर्टल होते हैं ट्रैवल बुकिंग के लिए और उसमें हम लोगों को एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पार्ट था इस कार्ड के हिसाब से। और इस कार्ड के जो बाकी सारे स्पेंडिंग है उसमें आपको 1% का रिवॉर्ड मिल जाता है, ये भी मेरे ओपिनियन में कम है। एवरेज जो क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड होते हैं उससे थोड़ा सा कम ही है इस कार्ड के चार्जेस के हिसाब से अगर हम बात करें तो। इससे बेटर होगा आप एक्सिस, एस, SBI कैशबैक, HDFC मिलेनिया जैसे कैशबैक क्रेडिट कार्ड है वो ही आप यूज़ कर लेंगे। तो ओवरऑल ये कार्ड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर हाँ ये कार्ड ऐसा नहीं है कि इसका जो वैल्यू है वो आप इससे उठा नहीं सकते। तो अगर आपको प्रीमियम सर्विस जैसे कि एयरपोर्ट मीट एंड ग्रेट सर्विस यूज़ करना है 5000 फीस में तो ये कार्ड के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। पर अगर आपको रिवॉर्ड अर्न करना है कार्ड से तो ये कार्ड आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी AU बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पाना भी बहुत ईजी है। इसका जो डिटेल है वो आपको TF कम्युनिटी पे एक थ्रेड है वहां से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से जाके चेक कर सकते हो कि कैसे आप एक AU बैंक का लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।